हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार समग्र के आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं बिहार समग्र बुक से रिलेटेड। आप सबको पता है कि बिहार समग्र के बुक से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपने बिहार समग्र के बुक को अच्छे से पढ़ के रखा है एंड जो प्रीवियस ईयर्स है वो आपने एक्सप्लेनेशन के साथ उस सेट को कवर कर लिया है। तो गाइज, आप सबको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम काफी जल्द आने वाला है। बीपीएससी एंड सीडीपीओ, इन दोनों का डेट जो है आपका वो निकल के आ चुका है। ये बीपीएससी का एग्जाम जो है ये आपका 30 अप्रैल को होने वाला है एंड सीडीपीओ का एग्जाम 15 मई को होने वाला है। इन दोनों का सिलेबस सेम है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपने अगर बीपीएससी के लिए पढ़ा है तो वो सीडीपीओ के लिए काम आएगा, और सीडीपीओ के लिए अगर आपने पढ़ा है तो वो ऑटोमेटिकली बीपीएससी में आपको हेल्प करेगा। सो गाइज, ये जो बिहार समग्र की बुक है यहां से आपको हूबहू क्वेश्चंस जो है सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आता तो इसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस आपको जरूर बनाए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो ये किसकी सहायता से इन्होंने प्रचार किया था? तो मैजिक लालटेन, राइट। अब ये मैजिक लालटेन है क्या? कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जिस चीज का एक्सप्लेनेशन है मैं वो एक्सप्लेनेशन आपको ना दूं। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी फ्रेंड्स, वहां पे मैं आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि बेफालतू का वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने से और फालतू का एक्सप्लेनेशन देने से कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जाम सर पे है, इन शॉर्ट जो जरूरी है वो हम पढ़ के निकल जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। सो यहाँ पे देख लीजिए कि मैजिक लालटेन क्या है। मैजिक लालटेन जो है ना, ये किस क्यों इसको यूज किया गया था? ये खादी को पॉपुलराइज करने के लिए, खादी को हर एक जगह फैलाने के लिए इस मैजिक लालटेन जो कैंपेन था इसको लाया गया था सामने, इसका प्रचार किया गया था, राइट। एंड जो ये मैजिक लाइट है ये रिलेटेड है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये कौन से जो सिविल ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज से रिलेटेड है, जस्ट लाइक कि ये जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है या खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक था। तो बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन थे आपके? ये थे सर्वाराम गणेश देवस्कर, राइट। सर्वाराम गणेश देवस्कर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये हितवादी, एक क्वेश्चन आपसे यहां से और बन सकता है कि हितवादा जो है, हितवादा, राइट, हितवादा ये जो है, ये कौन सा इंग्लिश न्यूज, ये कौन सा न्यूज़पेपर था? तो हिंदी था या इंग्लिश था? तो ये जो है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और साथ ही साथ ये भी आप देख लीजिए कि ये वीकली न्यूज़पेपर नहीं था, मंथली न्यूज़पेपर नहीं था, ये था आपका डेली न्यूज़पेपर। दूसरा देख लीजिए कि इसको फाउंड कभी किया गया था, 1911 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर में। तो हितवादा के बारे में भी आप इसको याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जहां पे जो भी रिलेट करके हम याद कर सकते हैं ना, वहां पे हम चीजों को देखेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार समग्र के बुक से हम सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के बिहार के स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि अगर सपोज हमने बात की अगर चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका सिर्फ बिहार स्टैटिक में ही नहीं आ जाता है, ये यूपीएससी से लेके और किसी भी स्टेट पीसीएस तक के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। तो जहां भी अगर चंपारण सत्याग्रह आएगा ना, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हम वहां पे रिवाइज कर लेंगे, राइट। सो दैट कि हमारा हिस्ट्री भी साथ ही साथ रिविजन होता रहे।
ये सेकंड क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे? तो लिबर्टी लिफलेट्स जो है ये बांटने में कौन थे? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 1915 ये डेट आपको याद रखना है, राइट। दूसरा आप देख लीजिए कि ये बांटने में कौन थे, तो ये थे बंकिम चंद्र मित्र एंड अखिल चंद्र दास गुप्ता, राइट। ये दोनों नाम आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कभी हुई थी? तो बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी जो हुई थी ये हुई थी 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो ये दिया था स्वामी सत्यदेव ने। अब स्वामी सत्यदेव कौन थे? तो ये जो है ये निरंकारी सन्यासी थे, राइट। और ये ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नामक पुस्तक के संस्थापक भी थे, ये आप याद रखिएगा। और ये फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये तीन चीजें आप इसके इनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो ये कामता प्रसाद जो है ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके मुजफ्फरपुर के। कामता प्रसाद काफी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में हम कुछ और भी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है हिंदी व्याकरण बुक के ऑथर थे, जिसको हिंदी व्याकरण बुक को बाद में बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ये काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा के थे? तो ये किस क्रांतिकारी दल के शाखा के थे, किससे बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे भागलपुर से। भागलपुर क्यों फेमस है? भागलपुर जो है ये प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। किनका भर्ती हुआ था? तो ये हुआ था राम विनोद सिंह जो है ये सक्रिय सदस्य थे कहाँ के, भागलपुर शाखा के, और मुजफ्फरपुर शाखा में इनकी भर्ती भी हुई थी, राइट। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बहुत इस बुक में मिसप्रिंट है, तो आपको इतना कंसिडर करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छे हैं इसके और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो हम सीरीज कवर कर रहे हैं ये बिहार समग्र की जो लेटेस्ट वर्जन है उससे कवर कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है और नई वाली बुक आपने परचेज नहीं की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ये किसमें किया गया था? ये पाटलिपुत्र जो मतलब अखबार था ये इसमें क्या किया गया था, क्रांतिकारी विचार जो है इसको प्रकट किया गया था। अब पाटलिपुत्र अखबार के बारे में जान लीजिए, पाटलिपुत्र के बारे में जान लीजिए। पाटलिपुत्र जो है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो ये अजात शत्रु, राइट, अजात शत्रु जो थे मगध रूलर, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था बाद में, और 490 BCE में किया गया था। बाद में इनके जो बेटे थे उदायन जो थे, इन्होंने इसको मगध का कैपिटल बनाया था। किसको? पाटलिपुत्र का। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने क्या किया था, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना करी थी। अब यहाँ पे हम सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें। सचिंद्रनाथ सान्याल जो है ये फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, और ये रिलेटेड थे किस, और भी बहुत सारे जो पार्टीज थे उनसे इनका रिलेशन था, जैसे कि गदर पार्टी और HSRA, तो इन सब से भी इनका रिलेशन था, ये एसोसिएटेड थे।
प्रश्न नंबर 10 है हमारा, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये प्रयास किया गया था जज किंग्सफोर्ड का, राइट? तो जज किंग्सफोर्ड, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि इनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन दो लेडीज की मृत्यु हो गई थी इस बम कांड में, और जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी ने बाद में क्या किया, आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को 18 इयर्स की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जज किंग्सफोर्ड के बारे में भी कुछ देख लीजिए यहाँ पे आप। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑन 30 अप्रैल, यहाँ पे सॉरी दिया ही हुआ है, ये चीज मुझे नोट करने की जरूरत नहीं है, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी जो है ना, इन्होंने बॉम्ब फेंका था ये सोच के कि वो जो कैरेज है वो किसका है, किंग्सफोर्ड का है। लेकिन उस दिन उस कैरेज में किंग्सफोर्ड ना बैठ के एक मतलब किसकी, प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री बैठी हुई थी, जिनका इस बॉम्ब कांड में निधन हो गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था तो किसने दिया था? खुदीराम बोस ने दिया था और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताइए कि खुदीराम बोस का संबंध जो है ये सुभाष चंद्र बोस से था या नहीं था, क्योंकि काफी बार ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है जो बहुत बार लोग क्लास में पूछते रहते हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी, राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, राइट? तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं, उन्हें फांसी दे दी गई थी, राइट? ये तो गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, राइट? ये यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो कौन से डेट को फांसी दी गई थी गाइस? ये दी गई थी 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, राइट? क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो ये वकील थे कालिदास बासु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बासु जो थे ये खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा, मतलब इनकी फांसी की जो सजा है वो कैंसिल नहीं की गई थी, राइट? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। ये किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, राइट? अब यहाँ पे देख लीजिए, अनुशीलन समिति, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सचिंद्रनाथ सान्याल थे, और इसको फाउंड किया कभी गया था, तो ये किया गया था 24 मार्च, जो पटना में अनुशीलन समिति था उसकी स्थापना हुई थी 24 मार्च 1902 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अनुशीलन समिति का? तो ये था ढाका, बांग्लादेश, राइट? इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो 1905 में, जस्ट अ मिनट गाइस, 24 मार्च 1902 को ढाका बांग्लादेश में इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, एंड 1905 में ये जो है ना यहाँ पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना करी गई थी, राइट? जिसमें कौन कौन से लीडर जो थे, किस चीज के लिए किया गया था ये भी हम देख लेते हैं।
तो ये जो था इस समिति ने क्या क्या पब्लिशमेंट की थी, तो ये की थी भवानी मंदिर की पब्लिशमेंट करी थी, और साथ ही साथ इन्होंने जो वर्तमान जो रणनीति थी उस वक्त की उस पर विचार विमर्श किया था, करने के लिए किया था, और साथ ही साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस पटना अनुशीलन समिति की नींव रखी गई थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है ना, ये किसने करी थी? ये करी थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने, राइट। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करी थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अब भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में हम देख लेते हैं, ये जो है ये स्वामी विवेकानंद के यंगर ब्रदर थे। सबसे पहली बात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या फाउंड किया? तो इन्होंने कैलकटा ट्रामवे वर्कर्स यूनियन, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था समहाउ 1927 में, राइट। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। बनारस षड्यंत्र के कौन बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र जो है ये किसमें शामिल थे? तो ये बनारस षड्यंत्र में शामिल थे। अब यहाँ पे इस चीज के लिए इनको क्या मिला था, इनको सजा भी दे दी गई थी। बनारस षड्यंत्र के विरोध में इनको क्या किया गया था? सजा दे दिया गया था, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सत्ययुग पत्रिका जो है ना, ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित की गई है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि सत्ययुग पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी कहाँ से? मुजफ्फरपुर से, रत्नाकर प्रेस से। एंड किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो ये किया जाता था पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 हियर। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादक कौन था, या स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने, राइट। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मुजफ्फरपुर से। इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि 1918 में सरकार ने इस पत्रिका को जब्त कर लिया था, क्योंकि बहुत ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इसमें छापा जाता था। मतलब ऐसी चीजें इसमें डाली जाती थी ना कि किसी को भी प्रोवोक कर दे बहुत सारे आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे माँ की पुकार नामक जो पुस्तिका है, इसके रचयिता कौन थे, इसको किसने चलाया था, पब्लिश किया था? तो ये किया था आई थिंक रतन मानेरा थे, मानिया या मानेरा, रतन थे ये मुझे याद है, ये रतन मानेरिया, राइट। ये इन्होंने क्या किया था, इस बुक को पब्लिश किया था, जिसको बाद में 1918 में क्या कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कर निगम को नियुक्त कर लिया था? तो ये हम इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर उसके स्थान पर कर निगम को नियुक्त कर लिया गया था, ये कौन थे, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले यह देख लेते हैं कि ये जो बिहारी पत्रिका था उसके उसमें क्या हुआ था कि भारतीय को हटाकर कर निगम को वहां पे नियुक्त कर दिया गया था। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर, अब किसको हटाया गया था, तो ये बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कर निगम की नियुक्ति की गई थी। अब ये नियुक्ति जो की गई थी इनकी, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बिहारी पत्रिका जो है ना, ये 1872 हिंदी में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। और दूसरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, ये बिहारी पत्रिका है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बिहार बंधु जो है, ये काफी बार आपसे पूछा जा चुका है, बिहार बंधु को किसने प्रकाशित किया था और कब किया था, तो ये किया था 1872 में, और ये हिंदी पत्रिका थी जिसको बालकृष्ण भट्ट एंड केशवा राम भट्ट ने इसको
पब्लिश किया था, ये दोनों आप याद रखेंगे। और कनिघम के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो कनिघम थे इनको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा रेवती नाग संबंधित है। रेवती नाग जो है यह किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भागलपुर से, राइट। रेवती नाग जो है ना, ये ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था, तो ये किसने भेजा था, हमने ऑलरेडी ऊपर देख रखा है, ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। गाइस तो टोटल ये 24 क्वेश्चंस हमने कवर किया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं यह आपको कैसा लगा, कोई भी कमी आपको अगर इस वीडियो में नजर आती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन डालना चाहिए, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। सो गाइज बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आप जहाँ कहीं भी हो चाहे वो फेसबुक पे हो या फिर आप इंस्टा पे हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियोस लाने वाले हैं वो सारे वीडियोस आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।